500 रुपए के लिए मर्डर। जी हाँ, आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ 500 रुपए के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दिल्ली से महज 5 किलोमीटर दूर नोएडा में ऐसा ही हुआ। पब में पार्टी के दौरान बाउंसर्स ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के पास नोएडा में इतनी सस्ती हो चुकी है जान? बेलगाम बाउंसर्स पर आखिर कैसे लगा लगाम? देखिए नोएडा से दिल दहलाने वाली एक रिपोर्ट। नोएडा के मॉल में मर्डर, सिर्फ 500 रुपए के लिए खून। बार के बाउंसर पर संगीन आरोप, सीसीटीवी में कैद मर्डर का सच। ब्रिजेश का कातिल कौन? दिल्ली के पास नोएडा के मॉल में सिर्फ 500 रुपए के लिए एक शख्स का खून हो गया। यहां गार्डन्स गैलेरिया मॉल में पार्टी करने पहुंचे एक शख्स से पब के बाउंसरों ने मारपीट की और फिर उसकी जान चली गई। सेकेंड फ्लोर पर स्थित ये लॉस्ट लेमन नाम का ये रेस्टोरेंट है जिसमें एक शख्स ब्रिजेश राय नाम का ये 30 साल का शख्स अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ रात में यहाँ पर पार्टी के लिए आया था। 11 बजे के आसपास जब वो यहाँ से निकलने वाले थे, बिलिंग को लेकर यहाँ के स्टाफ, लॉस्ट लेमन के स्टाफ के साथ उनकी बहसबाजी हुई, जिसके बाद वो बहसबाजी हाथापाई में तब्दील हो गई और लॉस्ट लेमन स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। ब्रिजेश राय की बाउंसर्स के साथ जब बहसबाजी हुई तो बाउंसर्स के साथ साथ लॉस्ट लेमन के ओनर और स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। बिहार के ब्रिजेश राय प्राइवेट जॉब करते थे। सोमवार की रात दोस्तों के साथ मॉल में पार्टी करने पहुंचे। रात करीब 11 बजे पब के स्टाफ से महज 500 रुपए के लेन देन को लेकर बहस शुरू हुई। बहस बढ़ी और मारपीट का शक ले लिया। पब के बिगड़ैल बाउंसर्स ने ब्रिजेश को इतना मारा, इतनी पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर ब्रिजेश की पत्नी पूजा पति के घर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन खबर आई कि अब ब्रिजेश कभी घर नहीं लौटेंगे। बता कर गए थे कि मुझे देर हो जाएगी घर आने में। सीसीरा कौन लोग थे उनके साथ जो साथ में गए थे? क्या उसके उनके कलीग थे? मुझे किसी ने भी अभी तक कोई सच नहीं बताया कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ है, तो मैं अभी किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे इतना भी पता नहीं है कि वो हॉस्पिटल लाने के बाद उनकी मौत हुई है या रास्ते में उनकी मौत हो गई। सेक्टर 18 और सेक्टर 38 मार्केट को नोएडा का हार्ट कहा जाता है। पुलिस चौकी से सिर्फ 500 मीटर दूर है गार्डन्स गैलेरिया मॉल, यानी रात में भी सुरक्षा की पूरी गारंटी। लेकिन मन चढ़े बाउंसर्स ने एक परिवार को तबाह कर दिया, एक पत्नी की मांग उजाड़ दी। इस पूरे मामले में बाउंसर्स की भूमिका पर सबसे ज्यादा शक है। यहाँ हर रेस्टोरेंट बार के बाहर लगभग बाउंसर्स होते हैं, 4 से 5 बाउंसर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर अगर कोई भी कस्टमर किसी भी तरीके की बदतमीजी करता है तो उनको रोकने के लिए बाउंसर्स होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में बाउंसर्स पर ही शक है कि बाउंसर्स ने ब्रिजेश के साथ मारपीट की, जिसके बाद ब्रिजेश की हालत ऐसी हो गई कि जब अस्पताल ले जाया गया तो ब्रिजेश की वहीं पर जाकर मौत हो गई। दरअसल ब्रिजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और यहाँ पर कल रात अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ पार्टी के लिए ही आया था। और अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके 16 लोगों को डिटेन किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिजेश से मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं, इसलिए सबूत भी मिलेंगे और कातिल भी पकड़े जाएंगे। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी। अभी हमारा एविडेंस कलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे आवश्यकता पड़ी तो इसको हम बंद भी करेंगे, और चूंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होगा ये पूरा का पूरा एरिया, तो जैसे भी हमारे लीगल प्रोसीडिंग्स की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर कितने लोग ये गए थे और जो डिसीज्ड है उसका बैकग्राउंड क्या? डिसीज्ड कहीं प्राइवेट जॉब में हैं, थे यहाँ, और वो छपरा बिहार के रहने वाले हैं, अपने साथियों के साथ गए थे वहाँ पर, उनकी 6-7 लोग थे उसमें। से बात करें तो रणविजय सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि क्या ये पूरा मैटर था और अब तक इस पूरे मामले में 8-9 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, नोएडा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।